हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाया हूँ टेस्ट नंबर 33 जो कि हिंदी का है। और सॉरी सॉरी, हिंदी का नहीं है, एक मिनट, एडिट कर देती हूँ। ये हिंदी का नहीं है जी, इसका टेस्ट है। इसके पहले जो टेस्ट हुआ था वो हिंदी का था। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप जो है हमारे चैनल से जुड़ के सारे टेस्ट को कर सकें। तो जी, इसका पेपर का टेस्ट होता है 140 नंबर का क्वेश्चन होता है, दूसरा हिंदी होता है जो कि 60 नंबर का होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और अगर आप हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नंबर आपके अच्छे आएंगे। और फिलहाल टेस्ट के जरिए आप अपना रिविजन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रिविजन और टेस्ट पर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 33 नंबर का टेस्ट। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट नंबर 32 है। इस सीरीज में मजा आई है, टेस्ट नंबर 32 है। तो जीएस का है, 140 क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही है? तो इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्य की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग 1862 में 3 भारतीयों को नामित किया, जिनके नाम है बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनकर राव थे। और गवर्नर जनरल के पास आपात की स्थिति के दौरान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। तो इसमें जो सभी के सभी ऑप्शंस बिल्कुल ही सही हैं। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर डालिए इसी टाइम। केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित अधिनियम पर आधारित है? तो वह है भारत सरकार अधिनियम। तो किसमें केंद्र और राज्य के बीच, तो वह है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला नेक्स्ट है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में किनके प्रतिनिधि को शामिल किया गया था जाना था? कांग्रेस, भारतीय ईसाई, सिख, मुस्लिम, पारसी समुदाय। तो इसमें जो सभी के सभी हैं। अगला है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल हुए थे 12 अधिवेशन, ठीक है, नहीं नहीं 11 अधिवेशन, सॉरी एक कम था। ये हो जाएगा आपका 11 अधिवेशन। नेक्स्ट है, कैबिनेट कथन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा की सीटें प्रत्येक प्रांत देशी रियासतों के समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान की गई थी। कारण है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जिनके अंतर्गत प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। तो ये दोनों के दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, और कारण कथन की सॉरी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को, सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये गलत है, ऊपर में से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, किंतु वह विधानसभा के अनुसार विधिवत निर्वाचित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 1952 में बने थे। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द निम्नलिखित में से उनके सही क्रम में लगाइए। तो ये आपको अगर प्रीएम्बल याद है तो आपको पता होगा। पहले हो जाएगा आपका सार्वभौमिक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। तो संविधान के प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देश की जनता की संप्रभुता का आशय होता है देश की सर्वोच्च सत्ता, भारतीय जनता में अंतर्निहित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान में राज्यों का संघ शब्द भारतीय राज्यों को पृथक करने का अधिकार नहीं देता है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया। पंडित नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला है, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? तो उन्होंने किया था 1947 को। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये मिलान करना है, असम, गुजरात, त्रिपुरा कब बना था? तो ये कब बना था, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, प्रिक बनाया है, वैसे भी बनाया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो असम कब बना था? असम बना था 1974 राज्य और स्थापना वर्ष, ठीक है, असम 1950 में। और जो है ये त्रिपुरा बना था आपका 1972 में, और गुजरात बना था आपका
गुजरात बना था 1960 में और कर्नाटक बना था 1956 में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय राज्य स्थापना वर्ष है असम 1950, त्रिपुरा 1972, गुजरात 1960, कर्नाटक 1956। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो लोका व्यवस्था, तो इस पे जो लगाया गया है, तो एक मिनट, तो ऑप्शन कहाँ है? हाँ, तो इस पे लोक व्यवस्था पर लगाया गया है, और आपका सदाचार पर, और दूसरा स्वास्थ्य पर, तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है संविधान के, मतलब इस पे आप धार्मिक के रूप से कुछ छूट नहीं मिलेगी। लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करके पोषण प्रबंधन का अधिकार है। लोक व्यवस्था सदाचार तथा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कथन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। कारण है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु ठीक है। 15वां महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महान्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 76 क्लॉज 2 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार एक को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पदभार करता है। 16वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हांगहो का मैदान चीन के दक्षिणी भाग में स्थित सकरा मैदान है जो चावल तथा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सिक्यांग का मैदान उत्तरी चीन में विस्तृत है। तो दोनों इनमें से कोई कथन सही नहीं है। हांगहो का मैदान उत्तरी चीन में विस्तृत है जो हांगहो तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित है। सिक्यांग का मैदान चीन के दक्षिणी भाग में स्थित एक संकरा मैदान है जो चावल तथा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब ये मीनाम का मैदान कहाँ पे है? तो इसका आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो मीनाम का मैदान कहाँ पर है? मीनाम का मैदान है थाईलैंड में। मेकांग का मैदान है इंडो चीन में। और इरावदी जो है, इरावदी आपका है म्यांमार में, और दजला फरात है इराक में। ऑप्शन हो गया बी। तो इसको जरूर याद कर लीजिए, दजला फरात इराक, इरावदी म्यांमार, म्यानाक थाईलैंड, मेकांग चीन, इंडो चीन। नाविक मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नाविक मरुस्थल है इसराइल में। नाविक मरुस्थल इसराइल में स्थित है। और ये कौन सा इसमें गलत है? स्थान है स्थान श्रेणी है दक्षिण साइबेरियन में, अल्ताई माउंटेन मंगोलिया में, जागरूस पर्वत है इराक में, किरधर श्रेणी है पाकिस्तान में। तो जागरूस इराक में नहीं है, जागरूस कहाँ पर है? जागरूस है ईरान में। तो अल्ताई मंगोलिया, स्थान श्रेणी दक्षिण साइबेरिया, और किरधर है पाकिस्तान में है। ये है वर्तमान नाम और पुराना नाम है, मिलान करना है। तो इसका देखते हैं हम, तो ताइवान का पहले नाम फरमोसा था, और बेनिन का नाम था दमोही, और मालावी का नाम था, जो मालावी का नाम था न्यासा लैंड, और सेंट पीटर्सबर्ग का लेनिन ग्राड नाम था। तो आप समझ जाएगा बी। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो वर्तमान नाम, तो ताइवान फरमोसा, और सेंट पीटर्सबर्ग लेनिन ग्राड, और बेनिन दामोही, और पलमलानी है न्यासा लैंड। सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी सीमा बनाती है? तो उसके मध्य सीमा बनाती है मैन रहीम रेखा। तो सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य मैन रहीम रेखा सीमा बनाती है मैगी नॉट रेखा। फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य बनाती है मैगी, फ्रांस और जर्मनी के बीच। और ओडर नीसो जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य बनाती है। और हिंडरबर्ग जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय सीमा जर्मनी और पोलैंड के मध्य निर्धारित की गई थी। तो ये है हिंडरबर्ग, और ओडर नीसे जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। और बाकी सब देख सकते हैं, फ्रांस के लिए मैगी नॉट, मैगी जो फ्रांस और जर्मनी वाले खाते हैं, जैसे याद कर लीजिए। मैन रहीम जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच में है। निम्नलिखित उत्तर में से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा? बॉस्पोरस जलमंडलू, मरमरा है, डार्डनेस है, जलमंडलू मध्य। तो इसमें जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, बॉस्पोरस जलमंडलू मध्य। ये जो है उत्तर मरमरा है, फिर इंडियंस जलमंडलू मध्य है। तो उत्तर दक्षिण में बोस्फोरस जलमंडलमध्य, मरमरा और डेडेनेल्स जलमंडलमध्य। निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर को स्पर्श नहीं करता? बुल्गारिया, मोल्दोवा, रोमानिया, यूक्रेन। तो मोल्दोवा नहीं करता है। तो काला सागर को स्पर्श करने वाले देश हैं यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। इसका ये ट्रिक बनाते हैं, चलिए। तो यू आर जे टी बी आर, यू आर जे टी बी आर, यू आर जी टी बी आर,
तो यू आर जेटी बिहार, बिहार से बिहार अंबेडकर, जेटी से किसी को याद कर लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू जो भी है, जेटी बिहार और यू आर, यू आर यू आर यू आर जेटी बिहार। अगला है, देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दक्षिण की ओर हो जाए स्लोवाकिया, क्रोएशिया, मेंटोनेग्रो और अल्बानिया। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों से होकर गुजरता है? तो वह देश है ब्राजील। भूमध्य रेखा, तो ब्राजील एक एकमात्र ऐसा देश है जिससे होकर मकर रेखा भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। अगला है, यूएनएफसीसी से, ये कब बना था, इसका स्थापना, यूएनएफसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। बेसल कन्वेंशन कब आया था? बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब आया था? तो कार्टेजेना आया था 2000 में, और किगली समझौता हुआ था 2016 में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, तो यह 1992 में, बेसल 1989, कार्टाजोना 2000 और किंगली संशोधन 2016 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार की, सोडियम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के चारों महानगरों को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे ओनली टू, चारों महानगर जोड़े जाएंगे। लेकिन सोडियम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, ना कि 2000 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। अगला है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कल्पसर परियोजना गुजरात की है। राडा सागर प्रतियोजना ये है, राडा सागर राजस्थान का, और रीहन जो है उत्तर प्रदेश का, दुलहस्ती है जम्मू कश्मीर का। तो ऑप्शन हो गया बी। एक मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, कल्पसर परियोजना गुजरात का, राडा सागर राजस्थान का, रिहंद उत्तर प्रदेश, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर का। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पोंग बांध, ब्यास नदी, मेजा बांध, कोठारी नदी, बिष्टुगढ़, जल विद्युत परियोजना भागीरथी पे, तुलबुल परियोजना, झेलम नदी। तो उसमें जो है ये बिष्टुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये भागीरथी पे नहीं होकर ये अलकनंदा पे है। पोंग ब्यास, पोंग ब्यास, पोंग बांध, पोंग ब्यास, पोंग ब्यास, पोंग ब्यास, पोंग ब्यास, मेजा कोठारी, कोठरी में मेज रखा हुआ है, और बिष्टु जल विद्युत ये अलकनंदा है, बिष्टु जी अलकनंदा में मिलती है, और तिलबुल जो है झेलम में है। जल मिट्टी, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परत अपरदन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लेटराइट मिट्टी का रंग लाल रंग होने के ऑक्साइड के कारण होता है, और ये मिट्टियां समांतर लौह तथा एल्युमिनियम से समृद्ध है। बिल्कुल, इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है। तो बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। और भवानी हेमावती किसकी सहायक नदी है? भवानी हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर 805 किलोमीटर लंबाई है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार से प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, श्रीसमुद्रम एवं श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है अमरावती, भिवानी, हेमावती तथा काबिनी। शिखर है, राज्य है पारसनाथ, पारसनाथ जो है पारसनाथ हो जाएंगे झारखंड से, शिखर और माउंट ईशो। तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी, माउंट, एक मिनट, एक मिनट, ऑप्शन एक होगा, तो ये गलत है। तो हम तो माउंट ईसो जो है, माउंट ईसो हो जाएगा मणिपुर में। फैंगोपुड़ आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, कांगटू मिजोरम राज्य में। शिखर है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे पारसनाथ झारखंड, झारखंड पारसनाथ, माउंट मणिपुर, माउंट ईसो मणिपुर, माउंट ईसो मणिपुर, और फोंगकुड मिजोरम, फोंगकुड मिजोरम, कांगटो अरुणाचल प्रदेश, कांगटो अरुणाचल प्रदेश। पन्ना बाघ अभयारण्य होकर कौन सा नदी गुजरती है? तो पन्ना से होती केन नदी, केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा स्थान पर? तो बिल्कुल सही, साथ में। अगला है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में है। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, डोनी पोलो, डोनी पोलो, डोनी पोलो। पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में, पद्मनाभ केरल, पद्मनाभ केरल। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इच्छाओं नृत्य के प्रकार है, राज्य है मयूरभंज, उड़ीसा। मयूरभंज कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा में है ना। तो एक मिनट,
मयूरभंज ये क्या करें। अच्छा देखना कौन सा सही है, तो पहला तो गलत हो गया। तो सरायकेला ये उड़ीसा में है, पुरुलिया झाऊ ये झारखंड में है। सही है, झाऊ से झाऊ झारखंड, तो आप समझेगा। सी तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मयूरभंज नृत्य उड़ीसा का है, और सराय केऊ जो है झारखंड का है, पुरुलिया झील कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल का है। अच्छा मैं क्या पूछा है, कौन सा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए अगला है। काला बेली लोकनृत्य है राज्य, काला बेलिया कहाँ पर होता है। काला ये ऑप्शन डी हो जाएगा, काला बेलिया जो है ये हो जाएगा राजस्थान में, और जवारा जवारा जो है वो होता है मध्य प्रदेश में, लवानी महाराष्ट्र में, और लावा मिनिकॉय लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 20वीं सदी में दमयंती जोशी में कथक को पुनर्जीवित किया, कथक आम संगीत के साथ होता है, कथक की प्रसिद्ध प्रणेता सितारा देवी है। तो इसमें जो केवल दूसरा तीसरा सही है। कथक को 20वीं सदी में लेडी लीला सोखी ने पुनर्जीवित किया था। कथक आमतौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होता है। कथक शब्द की उत्पत्ति शब्द है जिसका अर्थ कहानी, यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में किया जाता है। यह मुख्य रूप से मंदिर या गांव का प्रदर्शन था जिनमें नर्तकी प्राचीन शास्त्रों से कहानियां सुनाते थे। यहाँ पर भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारत में अन्य शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और उड़ीसा का उड़िया, मणिपुर का मणिपुरी, इसको तो याद नहीं करना है, केरल का कथकली, केरल का थे कथकली, और असम का है संत्रिया, और केरल का मोहिनी अट्टम। केरल के दो नृत्य हैं कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, अगला है कढ़ाई का नाम है और राज्य है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं, इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अछीता जो है, अछीता है बिहार का, और कसूती जो है, कसूती हो गया कर्नाटक का, कर से कसूती, कर से कर्नाटक। फुलकरी जो हो गया वो हो गया पंजाब का, पंजाब में बहुत सारे फूल हो इस तरह से याद करिए। कांधा पश्चिम बंगाल का, कांधा उड़ीसा पश्चिम बंगाल का है, कांथा 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 कांथा। नेक्स्ट है अच्छिता बिहार का, कुसुती कर्नाटक का, फुलकरी पंजाब का, कांथा पश्चिम बंगाल उड़ीसा का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग कश्मीर में स्थित है, और ये जो है सही है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर, अमरनाथ ये कश्मीर में, एक है ये बनारस में भी है, तो उसको मत कंफ्यूज करिएगा। इसका निर्माण कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ा उसके तत्वावधान में 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसका स्मारक पर गंधार चीनी और गुप्त प्रभाव है। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान नरेंद्र सिंह तथा राजय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी, और कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, और इसकी प्रथम बैठक कलकत्ता में हुई थी। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आचार्य नरेंद्र देव तथा जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना में मीनू मसानी एवं अशोक मेहता ने योगदान दिया था। मिशन मुसा ने अशोक मेहता ने योगदान दिया था। इसका प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था, ना कि कलकत्ता में। इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य था देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में मतलब पहले नेहरू रिपोर्ट आया था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो जो है नेहरू रिपोर्ट आया था 18 अगस्त 1928 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था पहले मतलब 12 मार्च 1930 को, और इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इनमें से कौन सा सही है। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करें तो 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में स्वतंत्रता के बाद भारत के निर्माण की योजना का रूपरेखा तैयार किया गया था। इसका सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यह अधिवेशन गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने हेतु किया गया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार, निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा, अभिव्यक्ति, सुरेश संगठन आदि की स्वतंत्रता संबंधित था, तथा आर्थिक कार्यक्रम, उद्योग, परिवहन आदि को सरकारी नियंत्रण में रखना तथा लगान, मजदूरी, किसानों को कर्ज राहत आदि है। इस संबंधित प्रस्तावों को पेश किया गया और मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। ठीक है, अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने गए, एक मिनट, किसकी बात हुई थी ये हुई थी समझौते को स्वीकृत करने, तो 29 मार्च कराची कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,
अगला हुआ, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे मानवेंद्र नाथ राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ थे। कथन है, स्वराजवादियों और उत्परिवर्तनवादी अपवर्तनवादियों के बीच बुनियादी स्तर पर कोई मतभेद नहीं था। दोनों ही दलों के बीच परस्पर संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। तो इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है, सौहार्दपूर्ण संबंध थे। स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच बुनियादी स्तर पर कोई मतभेद नहीं था। दोनों दल कांग्रेस के भीतर समाहित थे और अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। दोनों ही दलों के बीच परस्पर संबंध मजबूत थे और सौहार्दपूर्ण थे और दोनों एक दूसरे के समाज विरोधी चरित्र को स्वीकार करते थे। इसलिए बाद में जब एक राष्ट्रीय संघर्ष का आयाम आया तो दोनों दल आसानी से एकजुट हो गया। 49वां क्वेश्चन है, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा हेतु किस आयोग का गठन किया गया? तो उसमें किया गया था साइमन कमीशन का। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा हेतु आयोग का गठन किया प्रावधान किया गया था, परंतु आयोग की नियुक्ति 2 वर्ष पूर्व 1927 में कर दी गई थी। यह आयोग साइमन कमीशन के रूप में जाना जाता है। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1964 को कलकत्ता में हुआ था। खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से 1993 में विश्व धर्म संसद शिकागो में यहाँ यह गए थे। 1897 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 5 मई 1998 वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो सही है केवल दूसरा सही है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी। और खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से 1893 में विश्व धर्म संसद शिकागो गए और 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 5 मई 1997 में वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन में मानव सेवा को ईश्वर की सेवा तथा नर सेवा नारायण सेवा को अपना ध्येय वाक्य बनाया। भारतीय नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है सावित्री बाई फुले को। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था। इन्हें भारतीय नारी मुक्ति आंदोलन का प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने लड़कियों के समाज में बहिष्कृत हिस्सों के लोगों को शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 52वां है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, झांसी का अंग्रेजी राज्य में विलय, स्वतंत्रता का महान विद्रोह, वारेन हेस्टिंग द्वारा नए न्याय की व्यवस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी मतलब हो जाएगा पहले हो जाएगा वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नए न्याय व्यवस्था की स्थापना हुई, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ था, फिर झांसी राज्य में विलय हुआ था, फिर स्वतंत्रता का महान विद्रोह हुआ था। तो ठीक है, विलय नीति के अंतर्गत झांसी का विलय हुआ था 1854 में और 1857 क्रांति को भारत की स्वतंत्रता एवं महान विद्रोही की संज्ञा दी गई। 1772 वारेन हेस्टिंग ने एक नया व्यवस्था को स्थापित किया। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों के प्रावधान किया गया था। 1793 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है का प्रारंभ किया गया था। हिंदी की चादर किसे कहा जाता है? तो उसे गुरु तेग बहादुर को, हिंदी की चादर। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। वे सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों ने गुरु तेग बहादुर को मानवता के रक्षक, हिंद दी चादर के रूप में सम्मानित किया था। वे एक महान विचारक तथा कवि थे। श्लोका और दोहों कहे जाने वाले 116 काव्यात्मक भोजनों के रूप में उनकी रचनाएं पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निहित है। उन्होंने पंजाब में चक जनानकी की बस्ती का निर्माण किया जो स्वतः आनंदपुर साहिब का एक हिस्सा बन गया। 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश के तहत गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। किसकी किसकी वजह से? औरंगजेब ने तेग बहादुर को दे दिया था। निम्नलिखित शासकों में से उनके कारण को व्यवस्थित कीजिए। अहमद शाह अब्दाली, आलमगीर द्वितीय और अकबर द्वितीय और जहांदर शाह। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। भी हो जाएगा पहले जहांगीर शाह था, फिर अहमद शाह था, फिर जो था आलमगीर द्वितीय था, फिर अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय सबसे लास्ट में था। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 से 1754, आलमगीर का 1754 से 1769 और अकबर द्वितीय का था 1806 से 1837 और जहांगीर का था 1712 से 1713 में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का स्थापक कौन था? तो वह था निजाम उल मुल्क अस्फाजा। हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क असाफजा था जिसने चिन किलीज खां के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। सैयद बंधुओं को मुगल सत्ता से निष्कासित करने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हिंदू धर्मोद्धारक उगादी किसने धारण की थी? तो धारण की थी शिवाजी ने।
शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि उन्होंने बीजापुर अधिकारियों से जीजी और बेलूर जीतने के उपरांत धारण की थी। 57वां ये है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। कारण इसमें अफगानों का नेतृत्व नादिर शाह ने किया था। तो इसे दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। और निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? अब्दुल समद हुमायूं के दरबार को सुशोभित करता था। जसवंत और दसावन बाबर के दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अब्दुल समद हुमायूं के दरबार का चित्रकार था जिसे हुमायूं ईरान से अपने साथ लाया था। इसका एक प्रसिद्ध चित्रकला क्या है? हम जानामा। जसवंत और दसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इबादत खाना के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इबादत खाना के लिए शब्द जो सही है केवल दूसरा है। ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1576 में नहीं हुई थी, गलत है। तो इसकी स्थापना 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी के रूप में कच्छ बनाया था जिसे इबादत खाना कहा था। इबादत खाना में वो धर्म तत्वों और रहस्यवादियों और अपने दरबार में जाने माने विद्वानों और बौद्धिक जनों की गोष्ठियों आयोजित करता था। इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखते हैं, कानेरी गुफाओं का निर्माण 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं। इसकी गुफा में 11 सिरों वाले बौद्ध तत्व की प्रतिमा है। तो बिल्कुल सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है, निम्नलिखित योजनाओं में समय अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मेक इन इंडिया मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल भूजल योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ए मतलब 1, 2, 3, 4 क्रोनोलॉजी में लगे हैं। पहले मेक इन इंडिया, फिर मुद्रा आया, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा ने किया, फिर उन्होंने अटल भूजल के खुदान कर दिया। इस तरह से भी याद कर लीजिए। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, फिर आया मुद्रा 8 अप्रैल 2015 को, फिर आया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये आया था 8 अप्रैल, पहले मुद्रा आया फिर प्रधानमंत्री बीमा दिया, पहले पैसे देंगे फिर बीमा करवाएंगे, तो 9 मई 2015 को। फिर अटल भूजल योजना आया था 2019 में सबसे लास्ट में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य संगठबंधन है जिसकी अप्रैल 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। संगठन में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत थे। 63वां है, कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? जर्मनी, US, जापान, चीन। तो इसमें चीन G7 का सदस्य नहीं है। G7 सदस्य कौन से हैं? जर्मनी, इटली, US, जापान, कनाडा, फ्रांस, UK। इसराइल की मुद्रा क्या है? दिरहम, तेंगे और देकेन और कीना। तो इसराइल की है दिरहम, दिरहम नहीं है, इसका सेकेल है। इसराइल की मुद्रा सेकेल है। कीना पपुआ न्यूगिनी के, कजाकिस्तान तेगे जो है कजाकिस्तान का दिरहम UAE का है। ठीक है, कीना किस कहाँ का है? पपुआ न्यूगिनी का है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना है और प्रारंभ वर्ष है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2, 3, 4 मिले हुए हैं। 5वीं योजना 1974 से 1979 में, और 9वीं जो आई थी 1997 से 2000 में, 2 में, और 12वीं आई थी 2012 से 2017 में, और 10वीं आई थी 2002 से 2007 में। तो मिलान बिल्कुल सही है, सामने सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा WEF द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाए? मानव पूंजी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, लैंगिक असमानता, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो ये जो हो जाएगा कौन सा नहीं किया जाता? तो पहला, दूसरा नहीं किया जाता। मानव पूंजी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिमता नहीं किया जाता, बाकी सब किया जाता। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF द्वारा प्रकाशित होता है, लैंगिक असमानता UNDP द्वारा होता है, मानव पूंजी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF द्वारा होता है। SDR के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ये एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे 1969 में विश्व बैंक द्वारा अपने सदस्यों के देशों के पूरक के लिए बनाया गया था। SDR का मूल्य 6 मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है। तो इसमें से कोई सही नहीं है। SDR एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे 1969 में IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के पूरक लिए बनाया गया था। SDR का मूल्य 5 मुद्राओं की टोकरी पर आधारित है। अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, रेनमिनबी है, जापान है, येन है, पाउंड स्टर्लिंग है। और बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी का गठन कब हुआ था? 1945, 49, 88, 82। तो ये हुआ था 88 में। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुए थे। एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो वज्र प्रहार जो है, तो वज्र प्रहार कहाँ, किसके किसके बीच है? तो इसमें कौन सा सही है? हाँ, विन बैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम, वी से विन, वी बाकी बना से भारत, देख लीजिए इंडिया का। और फिर यही सही है, बाकी सही नहीं है। तो चलिए देखते सही क्या है। तो वज्र प्रहार होता है, वज्र से आक्रमण अमेरिका पे होता है, विन बैक्स वियना और भारत के बीच, अल नगा ओमान, असिर ओमान और भारत, याद कर लीजिए। संप्रीति है, संप्रीति प्रीत है अपने बांग्लादेश के साथ, तो वही है।
भारत में जेंडर बजटिंग बजट कब पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 2005 से 6 में। भारत में जेंडर बजटिंग को 2005 और 6 में पेश किया गया था। सीवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। और अगला है, प्रगतिशील कराधान व्यक्ति के आय स्तर में वृद्धि के साथ बढ़ता है। आयकर एक प्रगतिशील कराधान है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा आयाम बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तहत माना जाता है? नहीं माना जाता। जीवन स्तर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य जीवन स्तर है। याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन आता है। इसे पहली बार 2010 में OPHI या UNDP मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। MPI स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर में व्याप्त 10 संकेतकों अभाव की निगरानी करता है। इसमें गरीबी की घटना एवं तीव्रता दोनों शामिल है। अगला है, निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। और है 75वां, मेलाटोनिन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन से ये सर्कैडियन रिदम को बनाए रखता है। तो ए गलत है, आर सही है। तो मेलाटोनिन एक हार्मोन से जो पीनियल ग्रंथि द्वारा अंधेरे की प्रतिक्रिया में स्रावित होता है, इसलिए इसे अंधेरे का हार्मोन कहा जाता है। मेलाटोनिन की वजह से आपको अंधेरे कमरे में नींद आने लगती है। यह आंतरिक घड़ियों में यानी सोने और जागने के चक्रों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट पर नियंत्रित करता है? तो वो है यह है पैराथायराइड हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो इंसुलिन में होती है जिंक। इंसुलिन एक हार्मोन से जो अग्नाशय के लैंगरहंस के आइजोल की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह उच्च रक्त शर्करा के जवाब में उत्पन्न होता है। इसमें पाया जाने वाला धातु जिंक है। मास्टर ग्रंथि गिगैटियम, रेनियम और एंड्रियम, इसमें जो है वो हो जाएगा बी। तो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, गिंगेटिज्म है, सोमैटोट्रोपिन से, और रेनिन जो है, रेनिन कहाँ से निकलता है? गुर्दे से, और एड्रेनालिन कार्टिसोल की होती है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बी। तो यहाँ पर मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, गिंगेटिज्म, सोमैटोट्रोपिन और रेनिन गुर्दा और एड्रेनालिन कार्टिसोल। प्राणियों के वंश में वंशानुगत तो लक्षण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो आपको क्रोमोजोम द्वारा। क्रोमोजोम में डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है। तो डीएनए को सबसे पहले किसके द्वारा पहचाना और अलग किया गया था? तो वे किया गया था फ्रेडरिक मिसर द्वारा। डीएनए को 1869 में सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने पहचाना और अलग किया। और डीएनए की प्रबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की। अगला है, ठीक है, किसी निश्चित आबादी में किसी विशेष बीमारी का कम समय में बड़ी संख्या में लोगों में तेजी से फैल जाना क्या है? स्थानिक पैंडेमिक, तो होता है पैंडेमिक, ओ सॉरी, वो एक स्थान की बात हो रही, तो होगा इपिडेमिक, ठीक है। तो किसी निश्चित आबादी में किसी विशेष बीमारी का कम समय में फैल जाना उसको इपिडेमिक बोलते हैं, और बहुत ज्यादा विश्व भर में फैल जाना उसे पैंडेमिक बोलते हैं। तो ठीक, ये मिलान करना है, बेकरी, बेकरी तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बेकरी में मोनोपोटासियम टार्टरिक होता है। बेनाड्रिन में क्या होता है? बेनाड्रिन जो होता है वो होता है एंटी हिस्टामिन। और लिपस्टिक में सीसा होता है, और उर्वरक में पोटासियम सल्फेट होता है। तो ऑप्शन हो गया सी। यहाँ पर लिपस्टिक, सीसा, उर्वरक, पोटासियम सल्फेट, बेनाड्रिन, एंटी हिस्टामाइन और बेकरी मोनोपोटासियम टार्टरिक। चारकोल जो कच्ची चीनी को विरंजित करने में प्रयोग किया जाता है वो होता है सुगर चारकोल, एनिमल चॉकलेट, तो उसको बोलते हैं एनिमल चॉकलेट, चारकोल बोलते हैं, चॉकलेट नहीं। अगला है, ऑक्टेन संख्या का प्रयोग एक में हो रहा है भाई ये, ठीक है, एक ये हो गया एनिमल चारकोल। अगला है, ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किसके प्रज्वलन स्थिरता को मापने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है पेट्रोल के। तो ऑक्टेन जो नंबर होता है का उपयोग गैसोलीन की प्रज्वलता स्थिरता को मापने के लिए किया जाता है। सीटेन संख्या का उपयोग डीजल की गुणवत्ता पैरामीटर के नापने में किया जाता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो वो किया जाता है एथेफॉन का। फलों को पकाने में प्राप्त रासायनिक एथेफॉन का प्रयोग किया जाता है। एथेफॉन या एथेरल एक व्यापारी सूत्रीकरण है जो pH पर पानी में घुलने वाले एथिलीन का उत्पादन करता है। ये कैल्शियम कार्बाइड का एक विच्छेद विकल्प है। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो निर्भय जो है सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, और K-15 क्या है? K-15 है बैलिस्टिक मिसाइल है। अरिहंत जो है पनडुब्बी में है, और एटलस सेंटार जो है रॉकेट का है, ठीक है, यहाँ पर दिया है। तो निर्भय जो है सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, और K-15 है बैलिस्टिक मिसाइल है, और अरिहंत है सब मैरीन है, और एटलस सेंटार है ये रॉकेट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह कर्नाटका में है।
लॉन्च किया गया है। तो इसरो द्वारा उपग्रह केंद्र को 1972 बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। भारत शरीर में मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है थायराइड। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा थायरॉक्सिन द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त करते हैं? तो वो प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से। केंद्रीय काच या सिरेमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है बुलंदशहर में। केंद्रीय काच व सिरेमिक अनुसंधान प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है। अब है इसमें से कौन सा गलत है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये 1957 बना था। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1973 में नहीं बना था, ये बना था 1975 में। और राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, भारत संगीत संस्थान 1926 में, भारत खंडे 1926 में। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना 1911 में हुई थी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1911 में हुई, जिसमें 2002 में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय बना दिया गया। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो है चिनहट में। तो अगला है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो ये है बी हो जाएगा इसका। तो यह ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला कहाँ पर है? तो यह है शाहजहांपुर में। और दादरी मेला कहाँ पर? दादरी मेला बलिया में है। और रुहेलखंड का मेला कहाँ पर है? रुहेलखंड का बदायूं में है। और ये सरधना कहाँ पे है? सरधना है मेरठ में। तो ऑप्शन हो गया बी में। तो ठीक है, ढाई घाट मेला है शाहजहांपुर में, सरधना मेला है मेरठ में, और दादरी मेला है बलिया में, और रुहेलखंड का भीनी कुंभ मेला है बदायूं में। सुकुवा ढकुआ बांध कहाँ स्थित है? सुकुवा ढकुआ बांध उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर स्थित करीब 112 वर्ष पुराना सुकुवा ढकुआ बांध है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है? तो वह है बदायूं। और राज्य में सर्वाधिक 130-135 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला बदायूं है। निम्नलिखित में से कौन सा मैदानी नदी है? आमी, कर्मनाशा, पांडो, कन्हार। तो कन्हार, कन्हार मैदानी नदी है। मैदानी नदियां निम्नलिखित है जैसे गोमती, वरुड़ा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईशान, कर्मनाशा आदि। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्थित है ग्रैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के शहर में फॉनटेनब्लू में की गई थी। IUCN ने पर्यावरण को संरक्षण करने के उद्देश्य से सरकार और नागरिक समाज को साथ मिलाते हुए इसके विश्वव्यापी पर्यावरण संघ की स्थापना, इसका मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड में है। तडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तडोबा है महाराष्ट्र में। तडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कृषि जनगणना के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। कृषि जनगणना सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह हर 10 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1960 से 1961 में हुई थी। तो इसमें जो पहला सही है, तो कृषि जनगणना की कृषि सहकारिता और किसान मंत्रालय द्वारा विभाग द्वारा की जाती है। यह हर 5 साल में आयोजित होती है। भारत कृषि जनगणना की शुरुआत 1970 से 1971 में हुई थी। आज तक भारत में 1970, 71, 77, 80 से 81 और 85 से 86 और 90 से 91 और 95, 96, 2000 से 2001 और 95 से 96 वर्षों में रूप में लेते हुए 8 कृषि जनगणना की गई है। विश्व की जनगणना का हर 10 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है। ठीक है, 5 साल फिर होती है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले हैं गाजियाबाद जिलों को, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर है। और किसी कोड में यदि 41 माइनस 32 55 है, इतना माइनस 76 है, तो इतना तो 23 माइनस 22 कितना होगा? तो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 जोड़ उठा है, 4 1 5 जोड़ उठा है, इसमें 1 मिनट, 4 2 6 जोड़ उठा है, इस तरह से। रुकिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा 46। तो यहाँ पर पहले देखिए, 4 4 को 4 1 5 हो गया है, और यहाँ पर 3 2 5 हो गया, ये जो जोड़ उठा है। फिर इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है इसको देखिए, यहाँ पर 4 3 7 हो गया है, 4 3 7 इसको जोड़ दिया गया है, फिर ये 4 2 6 इसको जोड़ दिया गया है, इस तरह से लिखा गया है। एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता, तो उसने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो स्त्री के किस पुरुष से किस प्रकार संबंध है? तो है बहन का संबंध। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्री पुरुष के विचार करके बता रही है अपने 3 पीढ़ियों के बारे में। नीचे दी गई आवृत्ति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इस कितने त्रिभुज है, इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या है 15। त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए आप इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब कर लीजिए। एक अंक से बने त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है।
एक अंक से बने, तो यहाँ पर उसके बराबर 6 हो जाएगा। तो इसमें देखिए, एक दो दो तीन इस तरह से निकाल लीजिए, बाकी निकालना के ट्रिक अलग अलग भी होता है, उसे कर लीजिए। लुप्त संख्या क्या होगी? 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9। तो इसमें अगली सीरीज होगी 71 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9 है। और ये देख लीजिए, 5, 5, 3, 15, 4, 19 है, 19, 2, 38, 38, 38, 3, 41 है। तो यहाँ पर 41 का 3 अगर गुणा करेंगे तो जिस तरह से आएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर की तरह भी है, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ा गया ये भी है। 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? तो आपको ये आपको होता होगा सोमवार होगा, एक दिन बढ़ जाएगा अगर लीप ईयर नहीं है तो। अगर लीप ईयर होगा 2 दिन बढ़ेगा। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, तो अन्य से भिन्न है 398, क्योंकि सभी जो है 5, 7, 9 मिला के 21 हो रहे हैं, सभी जोड़ के 21 हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। निम्नलिखित कूट संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। ई जी आई के ये फिल फी ये है, तो ई एफ है या फिर एफ जी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जी जे एम पी। तो यहाँ पर एक अंतर है, एक पुतला का, फिर दो का, फिर तीन का, इस तरह से अंतर है। तो अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तुति, संस्तुति, आगमन, चर्चा, परिचय। तो पहले क्या होगा? पहले होगा, तो इसका आंसर हो जाए ए, पहले आगमन होगा, आगमन के बाद परिचय होगा, परिचय के बाद प्रस्तुति होगी, प्रस्तुति के बाद चर्चा होगा, चर्चा के बाद संस्तुति होगी। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेसी, क्वीन, क्वालिटी, क्वेश्चन, क्वार्टर। तो अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन। इसमें जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके तीसरा शब्द प्राप्त कीजिए। तो इसको मतलब लगाना है वर्ड क्या वॉवल्स के हिसाब से, मतलब सॉरी मतलब सेंटे वर्ड के हिसाब से। तो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लगाना है। कथन है, कुछ फल फूल हैं, कुछ फूल नाव हैं, कुछ सभी नाव नदी हैं। तो इसको आपको बनाना आता ही होगा अगर आपने सिलोगिज्म किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू एंड फोर्थ फॉलो, मतलब केवल एक दो अनुसरित करता है। तो इसमें केवल दो और चौथा अनुसरित करता है। तो देखिए, सब फूल फल है, नदी नाव है, ठीक है। तो यह 12वां, 7 खंभे पी क्यू आर एस टी यू वी इस प्रकार लगाए गए हैं कि अगले खंभे को बीच की दूरी 1 मीटर से कम हो जाती है। पहले तो खंभे पी क्यू के बीच 10 मीटर की दूरी है, और पी तथा वी के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? तो हो जाएगी 45। तो यहाँ पर ठीक है, पहला पी क्यू आर एस टी यू वी सब लगा दिए गए, पहले और इसके बीच में क्यू है, फिर इसके बीच में एक एक घटता हुआ चला गया है, तो सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 45। अगला है, ये त्रिभुज के कोण कितने हैं? त्रिभुज में इसमें कोण है 13, ठीक है। तो इसको भी नंबरिंग करिए जी, फिर लगाइए इस तरह से। अब मैंने ट्रिक आता है, ट्रिक से लगाइए। अगर अगर जो है 246 का 8 हो जाता है, 624 का ये हो जाता है 0 हो जाता है, 327 इसका 6 हो जाता है, तो 423 का क्या होगा? 427 का 1 होगा, ठीक है। इसमें 6 4 10 तो 12, देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 में से 2 घटा दिएगा 8 हो गया, फिर 6 6 माइनस हो जाएगा, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 7 3, 7 2 9 हो जाएगा, 9 में 3 गया 6 हो गया, तो 3 2 5, 5 में 4 गया 1 हो जाएगा। अगला है, विलुप्त संख्या भरें। तो इसमें विलुप्त संख्या कौन सी हो जाएगी? तो विलुप्त संख्या हो जाएगी 5। तो 5 कैसे हो जाएगी? ये 4 9 2 15 मिला के हो गए हैं, और ये भी 15 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 5 रख देंगे, 5 3 8 8 7 15 हो जाएगा, 8 1 9 15 15 का स्क्वायर है इसमें। ए बी, ए बी से लंबा है, डी डी से छोटा है, तो ई लंबा है, ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए डी ए से बी सी के मध्य कौन सर्वाधिक लंबा है? तो उसमें सर्वाधिक लंबा हो जाएगा सी। तो प्रथम शर्त है ए बी से लंबा है, द्वितीय शर्त है सी डी। तो इस तरह से क्रम लगाई पता चल जाएगा। किसी पंक्ति में एक्स प्रारंभ से 14वें स्थान पर, वाई अंत से 17वें स्थान पर, तो एक्स वाई जेड के ठीक मध्य में, यदि पंक्ति में 48 व्यक्ति हैं, तो एक्स वाई जेड के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? तो हो जाएंगे 8। तो कुल संख्या 48 एक्स वाई बीच में दूरी कितनी है? तो नीचे और ऊपर दोनों का जोड़ लेंगे, और पूरी संख्या में से इतना माइनस कर देंगे तो 17 व्यक्ति आ जाएंगे। और फिर एक्स और जेड के बीच बैठे व्यक्तियों में से एक माइनस करके अपान 2 कर देंगे, तो 8 व्यक्ति आ जाएंगे। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो हुआ था 13 मई 1952 को। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 में 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय।
भारत योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो वो थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं। कोकड़ी को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो शामिल 71वें में किया गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली को शामिल किया गया था। ठीक है, 21वें में सिंधी को, 92वें में किसको? 92वें में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को, चार भाषाओं को, 71वें, 92वें में कोंकणी, मैथिली, नेपाली को शामिल किया गया था। 2003 में ये हुआ था, 1992 में ये हुआ था, 1967 में ये। क्रिमसन स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके नवतेज सरना। अगला है, किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर असहाय बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई? तो हुई राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीयों का नाम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वो हैं आकाश अंबानी। टाइम मैगजीन ने जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बड़े बेटे रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम्स 100 नेक्स्ट लिस्ट में जगह दी है। मात्र 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने जियो के बोर्ड में जगह पा ली, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 ऊर्जा और ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया? तो वो गांव है मोढेरा, गुजरात का। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में अपनी पहली संरचनात्मक लेखा परीक्षण नीति आयोजित की? तो नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति नोएडा में लागू की गई, जिसके तहत बिल्डरों को आश्रित या पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित फिल्म नरेरा को बंद होगा? 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में मार्च 2023 में G20 देशों के दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप बैठक आयोजित हुई थी? तो हुई थी पंजाब में। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में पंजाब के अमृतसर में दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी। इस सम्मेलन की शुरुआत IISc बेंगलुरु द्वारा G20 देशों में अनुसंधान पहल कर G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के साथ की गई। अगला है 134, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा के अनुसार भारतीय रेलवे किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनेगा? तो वो बन जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? तो जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में पाया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण 2022-23 में ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पर आधारित है। रिपोर्ट में पाया गया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत और जलवायु परिवर्तन क्रमशः अल्पकालिक और दीर्घकालिक दो सबसे बड़े वैश्विक खतरे से हैं। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? ओ माय गॉड, गजब का है, तो 27 जनवरी को। तो संयुक्त राष्ट्र ने 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनामित किया। यह दिवस 1933 से 1945 के मध्य हिटलर शासन के तहत प्रलय में मारे गए 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य नाजीवाद पीड़ितों के सम्मान में मनाया गया। अरे बाप रे, संपूर्ण राज्य ने अपने 42वें पूर्ण सत्र में 1 नवंबर 2005 को 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस की रूपरेखा घोषित की। बताइए, लाखों, बाप रे, 60 लाख कोई मामूली बात है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में कौन सा संस्थान भारत में सबसे पहले स्थान पर है? तो वह है IIT दिल्ली। हाल ही में QS यानी क्वाका रेली साइमंड्स विश्वविद्यालय रैंकिंग का 13वां संस्करण जारी किया गया है। रैंकिंग सब्जेक्ट आधारित है और भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा विभिन्न विषयों पर पेश किए गए 44 कार्यक्रम एवं वर्षभर स्तर पर समय में शामिल है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा वन विश्वविद्यालय। छात्रों और कर्मचारियों की शिकायत हुए तो ई समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। और भारतीय विश्वविद्यालय के संघ अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुरंजस दास को। निम्नलिखित में से किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो वह जीता है भारत ने, मोबाइल संचार के वैश्विक प्रणाली में। ठीक है, अगला 147 है, अप्रैल 2023 में फेडरेशन इंटरनेशनल थ्री फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की नवीनतम रैंकिंग में किस देश की फुटबॉल टीम ने पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किया है अर्जेंटीना ने।
6 अप्रैल 2023 को फेडरेशन इंटरनेशनल की फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलों की टीम नवीनतम रैंकिंग में अर्जेंटीना ने 6 वर्षों में पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। वह शीर्ष 5 टीमों की बात करें तो इनमें अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, बेल्जियम, नीदरलैंड शामिल हैं। हाल ही में किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो वह खोजी गई है केरल में। ठीक है, हाल ही में केरल के अक्कुलम और वेम्बनाड झील के किनारे से एक तितली उप प्रजाति कल्टोरिस ब्रोमस की खोज की गई है। यह लेपिडोस्टेरा के स्कीपर तितली परिवार से संबंधित है। परिवार पश्चिमी घाट और पारादीपी भारत में ब्रोमस स्विफ्ट तितली की पहली प्रलेखित प्रजाति है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है और इस झील को वेम्बनाड कयाल और पुनमदा झील का या कोची झील भी कहा जाता है। 2002 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामस्थल है।